दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन पर हमारी वीडियोस की जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज कैसे डाला जाता है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक बूटेबल सीडी की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9 सॉरी विंडोज 8 या विंडोज 10 इंस्टॉल करना है। तो उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे की जाती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको तो एक बूटेबल सीडी की ज़रूरत है, जैसे ये विंडोज 7 की बूटेबल सीडी है। मैं अभी आपको अपने लैपी पर विंडोज 7 इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों सभी सभी की प्रोसेस वही रहती है, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 की। तो चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ कि अपने लैपटॉप में विंडोज को कैसे डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेंगे और आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की बूटेबल की जाननी यानी कि जरूरी है। बूटेबल की कौन सी है वो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की बूटेबल की इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। जनरली दोस्तों डिलीट से आप बायोस सेटअप में जा सकते हैं, जैसे कि मैं तो अभी बूट मैनेजर में F9 से गया। किसी लैपटॉप की F10 रहती है, किसी लैपटॉप की F2 या F12 हो सकती है। तो आप अपने लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से गूगल पर सर्च कर लेंगे बूटेबल की, तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं F9 से बूट मैनेजर में गया और दोस्तों यहाँ से मैं विंडोज 7 की बूटेबल सीडी, दोस्तों आपके पास बूटेबल डीवीडी होना सीडी होना जरूरी है। तो मैं बूटेबल अपनी डीवीडी को इंसर्ट करता हूँ विंडोज 7 की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हार्ड ड्राइव और दोस्तों इंटरनल सीडी डीवीडी दिखा रहा है। तो हमको इंटरनल सीडी डीवीडी को सेलेक्ट करना है क्योंकि हम अभी इसको डीवीडी के थ्रू फॉर्मेट कर रहे हैं या विंडोज को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसमें इंटरनल सीडी डीवीडी रोम में जाएंगे और एंटर करेंगे। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कोई भी एक की प्रेस करनी थी, जैसे कि मैंने जे के कोई भी कर दी जब विंडोज डॉट डॉट शो कर रहा था, वहां पर आपको कोई भी एक की प्रेस करनी थी। और अब ये विंडोज लोड हो चुका है, तो हम यहाँ से हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से विंडो लोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हमको करना होगा नेस्ट इंस्टॉल नाउ। दोस्तों फॉर्मेटिंग के लिए आपको सिर्फ बूटेबल की ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको विंडोज़ को सेलेक्ट करना है, आपको कौन सी विंडो डालनी है। जैसे कि ये तो विंडोज 7 है, तो अल्टीमेट डालनी है, एंटरप्राइज डालनी है, स्टार्टर डालनी है, होम बेसिक। तो वहाँ यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों आप ध्यान रखना कि फॉर्मेट करते समय आपकी जो हार्डवेयर आपकी जो CPU है वो 64 बिट को सपोर्ट करती है या 86 मतलब कि 32 बिट। तो दोस्तों यहाँ से जैसे मैं आपको बता देता हूँ इनमें क्या फ़र्क रहता है। 86 को 32 भी कहा जाता है और जो भी लेटेस्ट जो अभी हमारी कंप्यूटर और लैपटॉप्स आ रही हैं वो 64 बिट वर्जन को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी हार्डवेयर अच्छे हैं, आपके हार्डवेयर 4GB 8GB रैम है और मदरबोर्ड आपका हाई ग्राफिकल है, तो दोस्तों आप उसमें 64 बिट डालेंगे। जनरली जो अभी दोस्तों आ रहे हैं नए लैपटॉप कंप्यूटर उसमें हम 64 बिट को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम 64 बिट अल्टीमेट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट नेक्स्ट, यहाँ से आप कस्टम को सेलेक्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ से आपको पार्टीशन करनी होगी। यहाँ ये दोस्तों अपनी फॉर्मेटिंग या विंडो इंस्टॉलेशन का मेन पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशन करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी जो सी ड्राइव जिसमें कि हमारा विंडोज़ इंस्टॉल्ड है और जो दोस्तों ये बाकी की जो ड्राइव होती है ये है। तो दोस्तों हम फॉर्मेट करते हैं, तो उस टाइम हम सी ड्राइव को सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमको अपना दूसरे डेटा को सेफ रखना है तो ये तीनों ड्राइव को हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम ड्राइव ऑप्शन में जाके अभी हमारी सी ड्राइव सेलेक्ट है, इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। दोस्तों ये फॉर्मेट हो चुकी है। अगर दोस्तों आप चाहें तो इन सभी ड्राइव्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमें जिस ड्राइव में विंडोज़ को डालना है हम उसमें सेलेक्ट करके नेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम सी ड्राइव में ही अभी अपना विंडोज़ को रखना चाहते हैं, तो इसको हम करेंगे नेस्ट। दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी, तो इसकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन तक आपको वेट करना होगा दोस्तों, ये अपने आप प्रोसेस चलती रहती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक्सपेंडिंग फाइल कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट और हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो दोस्तों एक्सपेंडिंग फाइल में थोड़ा सा समय लगता है, जैसे कि अभी तो हमारा हो चुका है 96, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और ये नेक्स्ट स्क्रीन है, देख सकते हैं आप, सेटअप इज अपडेट रजिस्ट्री सेटिंग। ये दोस्तों हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों कई बार हमें फॉर्मेटिंग में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, कई बार हमारी सीडीज से कुछ फाइल मिस हो जाती है, हमारा विंडो करप्ट हो जाता है, तो हम दूसरी सीडी को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सीडीज कहाँ से अवेलेबल है, सीडी आपको कहाँ से परचेस करनी है, उसकी भी मैं अपनी वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन शेयर कर देता हूँ, जहाँ से आपको विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 और ड्राइवर की भी सारी सीडियाँ एक ही जगह से आप परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और दोस्तों यहाँ पर हमारा लैपटॉप एक बार रीस्टार्ट हो गया है, यानी कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडोज़। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और हमें यहाँ से यूजर नेम देना है। तो जैसे कि दोस्तों मैं टाइप कर लेता हूँ अपना नाम यहाँ पर, और आप इंटर कर लेंगे यहाँ से। अगर आप चाहें तो दोस्तों पासवर्ड दे सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नहीं देना है तो आप डायरेक्ट इंटर को प्रेस कर लें। यहाँ से दोस्तों आप इसको आस्क मी लेटर कर देना, यहाँ से आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करनी होगी। दोस्तों हमारी यहाँ पर सेट है, हम नेक्स्ट कर देते हैं, और ये हमारी सेटिंग्स सेव हो रही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए, जैसे हमारी एचपी की लैपटॉप है तो हम एचपी को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी लोगो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में शो करेगा ये लोगो जो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं एचपी इवेंट, अप्लाई कर लेंगे इसको। और दोस्तों ये हमारी सारी सेटिंग्स सेव हो चुकी है। और दोस्तों ये हमारा विंडोज़ यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है पूरी सेटिंग्स और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ से आप पर्सनलाइज में क्लिक करके चेंज डेस्कटॉप आइकन, और यहाँ से आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे ये आइकन्स को, ये आइकन्स डेस्कटॉप में आ गए। और दोस्तों लेकिन आपको अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स डालनी होगी, जैसे ग्राफिक ड्राइवर वगैरह आपको उसको इंस्टॉल करनी होगी,
तो आप उसको ग्राफिक ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे, आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों आपको सीडी और ड्राइवर के लिए मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और ड्राइवर पैक के लिए सीडी और पेन ड्राइव परचेस कर सकते हैं एक ही जगह से। दोस्तों मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। और दोस्तों सभी की विंडो 7, विंडो 8 या विंडो 10 की इंस्टॉलेशन सेम रहती है, हमें फर्स्ट बूट डिवाइस को सीडी रोम रखना है, मतलब डीवीडी को हमें फर्स्ट बूट डिवाइस रखना है। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।